अमिताभ बच्चन की तरह अभिषेक बच्चन भी अपनी लाइफ स्टोरी से हर किसी को इम्प्रेस करते हैं। 48 साल के हो चुके हैं अभिषेक बच्चन, परफेक्ट फैमिली मैन है। ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक की जोड़ी बेहद प्यारी लगती है। जहां ऐश अपनी बेटी को आराध्या को एक पल के लिए नहीं छोड़ती, वहीं अभिषेक अपने मॉम डैड को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो संस्कारी बेटे की तरह अपनी माँ और पिता की हर बात मानते हैं। हालांकि अभिषेक के बारे में बहुतों को नहीं पता होगा कि जब वो एक साल के थे तब वो घातक बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि उनकी इच्छा शक्ति ने उनकी उस कमी को बेहद जल्द दूर कर दिया। दरअसल 6 मार्च 2019 में छपी टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में अभिषेक बच्चन की बीमारी के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया कि अभिषेक बच्चन ने खुद अपनी बीमारी का खुलासा किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि आज भले वो फिट हैं, लेकिन बचपन में वो डिलेक्सिया यानी कि डाइसलेक्सिया से पीड़ित थे। और डाइसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिससे अंदर बच्चे को पढ़ने लिखने बोलने में मुश्किलें आती हैं, और इसे लर्निंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और यानी कि डिसऑर्डर के कारण बच्चे अक्षर को पहचानने और बोलने में समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बीमारी से ग्रसित बच्चे दूसरे बच्चों के मुकाबले इंटेलिजेंस में किसी भी तरह से कम नहीं होते। इसके अंदर क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाते हैं। आमतौर पर यह बीमारी बचपन में ही पकड़ ली जाती है। आमिर खान बना चुके हैं फिल्म अभिषेक बच्चन की, जिस बीमारी से पीड़ित है उससे आमिर खान फिल्म बना चुके हैं तारे ज़मीन पर। इसी बीमारी पर आधारित काफ़ी उम्दा फिल्म है, और इस फिल्म में दर्शील सफारी ने इस बीमारी से पीड़ित बच्चे का किरदार निभाया था। अभिषेक ने 2011 में बचपन में अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बातें की थी। इसके अलावा जब भी उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बात करने और इससे निपटने के तरीकों के बारे में मौका मिलता है, तो वे इसके बारे में जागरूकता फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। फिलहाल इस पर आपके क्या कुछ राय, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ, तो देखते रहने। Next on life.